नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं जिस विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ वह विषय लॉकडाउन के समय में बिल्कुल विपरीत है। लेकिन लॉकडाउन के समय में बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ही तीव्रता से उभर कर सामने आ रही हैं, और जिसमें से ये विषय है ट्रैवल का, कहीं घूमने जाने की इच्छा। इसी विषय पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जो गांव है अंद्रेटा, जी हाँ अंद्रेटा, जिसे कलाकारों का गांव भी कहा जाता है, अंद्रेटा द विलेज ऑफ आर्टिस्ट, ये हिमालय की तलहटी और धौलदार रेंजेस के पास पालमपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अंद्रेटा की कुल जनसंख्या 2000 के करीब है और इसमें देश के विभिन्न कलाकारों ने अपना घर इसको चुना है। यहाँ की वादी, शांत वातावरण और इसकी कलाकारों के प्रति इतिहास काफ़ी प्रचलित है, जिसकी शुरुआत आयरिश ड्रामेटिस्ट, राइटर और लियो टॉल्स्टॉय की फॉलोवर मैडम नोरा रिचर्ड्स से हुई थी। नोरा रिचर्ड्स 1930 के मध्य में अंद्रेटा आई और उन्होंने इस जगह को चुना। यहाँ पर आकर उन्होंने एक कॉटेज बनाया जो कि ब्रिटिश स्टाइल में था, और इसको बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया मड, स्लेट और बैम्बू। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स को ड्रामा सिखाती थी और स्टूडेंट्स पंजाब से मुख्यतः यहाँ आते थे, बाकी राज्यों से भी, लेकिन पंजाब से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ आते थे। इस तरीके से शुरुआत हुई इस कलाकारों के गांव की। पंजाब यूनिवर्सिटी आज भी मैडम नोरा रिचर्ड्स के घर को एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट की तरह संरक्षित कर रही है। जैसा कि मैडम नोरा ने इसको, इस जगह को एक आर्टिस्ट विलेज के तौर पे इसको बनाया और अपनाया, यहाँ पे अलग अलग पर्सनालिटीज़, काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आने शुरू हुए, जिनमें से काफ़ी फेमस रहे पृथ्वीराज कपूर जी। वो यहाँ पर आते थे अपने गुरु, या यूं कहें अपने लाहौर के टीचर श्री जयदल जी से मिलने। मैडम नोरा रिचर्ड्स की मृत्यु 1971 में हो गई, लेकिन आज भी यहाँ पर नोरा सेंटर फॉर आर्ट चल रहा है। एक और आर्टिस्ट जो बहुत फेमस यहाँ रहे हैं, श्री सरदार गुरुचरण सिंह जी, जिन्होंने दिल्ली ब्लू आर्ट पॉटरी की स्थापना करी थी, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। उनके सुपुत्र मिस्टर मिनी सिंह जी आज यहीं बसे हुए हैं इसी गांव में, और उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करी है अंद्रेटा पॉटरी एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जो कि यहाँ की जो रंगोली पैटर्न ग्लेज्ड अर्थ फेयर है उसको बेचते हैं पूरे विश्व में। मिनी जी यहाँ पर स्टूडेंट्स को आर्ट भी सिखाते हैं और पॉटरी को कैसे अप्रिशिएट किया जाए वो भी उनका एक रुचि रहती है। इन्होंने एक संग्रहालय भी यहाँ बनाया है जिसमें हिमाचल विलेज पॉटरी की बहुत सी कलेक्शंस हैं।
लेकिन इसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने कई जगह पढ़ा, हिमाचल गवर्नमेंट ने अभी तक इस गांव को, इस आर्टिस्ट विलेज को एक हेरिटेज विलेज घोषित नहीं किया है। तो हिमाचल में रहने के साथ साथ और पहाड़ी लैंग्वेज और हिमाचल के ऐसे गांव जिनका इतिहास इतना समृद्ध रहा है और जिसने आर्ट और कल्चर में अपना एक योगदान दिया है, तो हमारा आग्रह तो यही होगा सरकार से कि वे इस बारे में सोचें और इस आर्ट को जीवंत करें। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, मैं ज़रूर वहाँ जाना चाहूँगा अपने मित्रों के साथ और देखना चाहूँगा, एक्सपीरियंस करना चाहूँगा उस रिच कल्चरल हेरिटेज को, उस कला को जिसे इन महान कलाकारों ने अपने मेहनत से संजोया है। आप भी अगर प्लान कर रहे हैं हिमाचल के लिए, पालमपुर जो कि बहुत फेमस जगह है, आसपास भी उसके काफ़ी घूमने के स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो आप भी यहाँ जाएं और इस अंड्रेटा विलेज, द विलेज ऑफ आर्टिस्ट को ज़रूर अपने लिस्ट पे रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।